हमें जो चिंता, शोक, भय, टेंशन इत्यादि अनुभव में आता है, उन सब का मूल कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं एक चीज, अज्ञान। मनुष्य की बुद्धि ही गड़बड़ में पड़ी है। वो गड़बड़ बुद्धि स्वयं चिंतन करते हुए अपने अज्ञान को नहीं मिटा सकती। हमें एक गुरु को प्राप्त करके अपने जीवन परिवर्तन की यात्रा में सफलता प्राप्त करनी है। वेद व्यास ने लिखा है, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम्, मोह सकल व्याधिन कर मूला। रामायण भी कहती है, अज्ञान के कारण ही सब समस्याएं हैं। अतः हमें उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ज्ञान प्राप्ति हेतु हमने अनेक प्रयास तो किए, पैदा होने से लेकर अब तक। हम लोग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डीलिट तक कुछ लोग बन गए, किंतु अज्ञान फिर भी नहीं गया। क्योंकि अगर कोई डीलिट है और आप उसे कहें, अरे साहब आप थोड़े कम अकल हैं, वो तुरंत क्रोधित हो जाएगा। मैं कम अकल हूं, तुम्हारी जबान खींच दूंगा। क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, आप सर्वज्ञ हैं। अब सर्वज्ञ शब्द सुनने पर लज्जित होता। सर्वज्ञ तो नहीं, लो सर्वज्ञ भी नहीं है, अल्पज्ञ भी नहीं है, तो है क्या? या तो व्यक्ति सर्वज्ञ होगा या अल्पज्ञ होगा। किंतु बताइए, ये कम अकल शब्द सुनने पर आपको क्रोध क्यों आया? और यदि गुस्सा आया तो फिर ज्ञान है कहां? ज्ञान तो तब कहलाएगा यदि हमारी प्रतिक्रिया भगवान बुद्ध के जैसी हो। एक व्यक्ति उनके पास गया और एक घंटे तक उन्हें गाली बकता रहा, उनके ऊपर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक घंटे के पश्चात वो व्यक्ति स्वयं थक गया और चुप हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इसे कुछ पानी पिला दो, भोजन करा दो, फिर शक्ति का संचार हो और फिर प्रारंभ कर दे। वो व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, भाई कमाल है। उसने कहा, महाराज आप लकड़ी के बने हैं कि पत्थर के बने हैं? मैंने इतना कुछ कह दिया, आपने ये भी नहीं पूछा कि भैया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। भगवान बुद्ध ने कहा, भाई देखो, तुम किसी को उपहार दो, वो उसे स्वीकार न करे, तो उपहार किसके पास रह जाता? देने वाले के पास। ऐसे ही तुमने जो कुछ दिया अपने शब्दों के माध्यम से, मैंने स्वीकार ही नहीं किया, वो सब तुम्हारे पास ही है। अब ये है समझदारी, ये ज्ञान का लक्षण। किंतु हम लोगों की अवस्था यदि ऐसी है कि क ख ग घ को मिलाकर थोड़े से शब्दों का वाक्य बोल दिया, तुम गधे हो, बस उतने में टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर अभी हम ज्ञान में स्थित नहीं है। अतः विचारणीय है कि वास्तविक ज्ञान कैसे हो। वेद व्यास इसके बारे में परामर्श देते हैं। अनाद्य विद्या युक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम् स्वतो न संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। वे कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्य की बुद्धि ही गड़बड़ में पड़ी है। वो गड़बड़ बुद्धि स्वयं चिंतन करते हुए अपने अज्ञान को नहीं मिटा सकती। जैसे एक ग्वाला था, प्रतिदिन अपनी गाय को दूहता था,
वो गाय के लंबे सींग थे जैसे गुजरात में गीर गाय के होते हैं, और इस गाय के सींग अंदर की ओर मुड़े हुए थे, तो एक इस प्रकार से गैप था दोनों सींग और सिर के बीच में। अब वो गाय को दूहते समय उस गैप को देखता था, क्या मेरा सिर यहां से जा सकता है कि नहीं जा सकता। प्रतिदिन वो गाय को दूहता था और मन से सोचता था। तो एक दिन जिज्ञासा इतनी बढ़ गई, उसने कहा ट्राई किया जाए। गाय के सींग को पकड़ा और सिर को घिसाया, सिर तो चला गया अंदर किंतु गाय भिदक गई। वो अपने टांगों को उछालने लगी, अब प्रेशर आया उसके गर्दन पर, क्या किया जाए। प्रेशर को कम करने के लिए उसने गाय के गर्दन को पकड़ा। अब गाय के पिछले 3 साल के जीवन में किसी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार तो किया नहीं था। वो और उछलने लगी, उसने कहा अब तो मैं मरा, बचाओ। गांववासी भागे भागे आए, उन्होंने गाय को पकड़ा, उसे निकाला। कहा भले आदमी, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना चाहिए, अविवेक परमापदम, तुमने वहां सिर डालने से पहले विचार नहीं किया। उसने कहा कौन कहता है विचार नहीं किया, 1.5 साल तक सोच रहा था फिर वहां सिर रखा। अब सोचा तो उसने बहुत, किंतु उसका सोचना व्यर्थ था। तो वेद व्यास ने कहा स्वतो न संभवाद अन्यस। भाई देखो, जैसे तुम अपने जूतों के तस्मों से अपने को पकड़ के पृथ्वी से ऊपर नहीं उठा सकते, एक आधार चाहिए, इसी प्रकार से वो बुद्धि जो गड़बड़ में है उसे आधार चाहिए। वो आधार क्या है? आचार्यवान पुरुषो ही वेद। ये वेद कहता है कि वो ज्ञान के भंडार है हमारे वेद शास्त्र, उनको समझने का माध्यम है गुरु। इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। अर्जुन, मेरा ज्ञान एक तत्वदर्शी गुरु के माध्यम से होगा, उस गुरु की शरण में जा, सेवा कर और जिज्ञासु भाव से प्रश्न कर। संसार में भी हमने विभिन्न विद्याओं को गुरु के द्वारा ही तो सीखा। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है द लिविंग सीक्रेट्स मस्ट बी पास डाउन फ्रॉम मास्टर टू डिसाइपल इन एवरी साइंस, मच मोर सो इन स्पिरिचुअल साइंस। तो देखिए, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मेडिकल साइंस का ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब ये समस्या, डॉक्टर कहता है जांच करके लाओ। हाँ ठीक है, हमने रोग को पकड़ लिया, ये दवाई दे रहे हैं 1 टेबलस्पून पानी में 2 बूंद, दिन में 3 बार, 2 मास के लिए ठीक हो जाओगे। अब हम वैसा करते हैं इलाज हो जाता। यदि हम अपनी बुद्धि लगाते रहे, डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर, इतनी छोटी दवा, 2 मास में, मैं पूरी बोतल आज ले लेता हूँ, 1 दिन में ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर कहेगा तुम पहले मेंटल इलाज करके आओ, उसके बाद फिर हम तुम्हारे शरीर का इलाज करेंगे। तो जैसे हम अपनी बुद्धि को डॉक्टर के प्रति समर्पित करते हैं, ऐसे ही हमें एक वास्तविक गुरु को प्राप्त करना है, उसकी शरण में जाके वेद शास्त्रों के ज्ञान को समझना है और फिर तद अनुकूल साधनाओं को क्रियान्वित करना है। जो समस्याएं आएंगी उनका समाधान भी गुरु करेगा, शंकाओं का निवारण भी गुरु करेगा। हम जब निराश होंगे गुरु हमें उत्साहित करेंगे, और लास्ट में जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव, प्रेमदान भी गुरु के द्वारा होगा। तो इस प्रकार से हमें एक गुरु को प्राप्त करके अपने जीवन परिवर्तन की यात्रा में सफलता प्राप्त करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग जो पिछले 21 एपिसोड्स में
विभिन्न ज्ञान के सूत्रों को समझे, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और राधा कृष्ण से कृपा याचना करता हूँ कि उनका वरद हस्त आप सबके ऊपर रहे और उनकी कृपा से आपको जीवन में सुख शांति और अत्यंत सफलता मिले। धन्यवाद। जगद्गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी कैंपस ये 12 के रमणीक आश्रम में होली के उपलक्ष में विशेष साधना शिविर होने जा रहा है। अत्यंत मधुर कीर्तन, रूप ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, होली उत्सव इत्यादि इत्यादि। ये 5 दिवसीय भक्ति का महोत्सव रहेगा। तो फिर जल्द से जल्द आप इसके लिए ऑनलाइन जाकर रजिस्टर कर लें।